है बस सब गाइस वेलकम टू एम टेक वायरल। सो हमने फॉर्मूलेज लगाने सीख लिए हैं कि कैसे हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने टोटल निकाला है सिर्फ जनवरी का, अब मुझे फरवरी का टोटल निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप सोचोगे कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अगर ये जो फार्मूला है मेरा इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सम इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सपोज़ करिए मैं इसको पहले दोबारा ये ठीक कर दूँ। सो ये मैंने कॉपी करा और मैंने क्या करा, इसको कॉपी करके दोबारा से इस वाले कॉलम में पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, तो आप सोचोगे कि ये तो इसके सम निकालने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको कॉपी करते हो तो आप सेम चीज़ इस वाले रो पे भी अप्लाई कर सकते हो, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा, ना कि इसकी वैल्यूज़ को। सो ये बहुत ही हैंडी ट्रिक है। बट इसके अलावा एक और बेहतर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप मान लीजिए मेरे पास ऐसे सी करके अगर मान लीजिए 15-20 कॉलम है जिनमें मुझे सम निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये कॉपी यहाँ से यहाँ पेस्ट करना होगा, फिर यहाँ पेस्ट करूँगा, फिर इस पे पेस्ट करूँगा, फिर इस पे करूँगा। सो उससे भी मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना वो सम सिलेक्ट करना है जो आप कर चुके हो। आप यहाँ पर आ गए, अब आप देख सकते हो कि एक डॉट है यहाँ पर राइट कॉर्नर में। जैसे ही मैं उस पर अपना कर्सर ले जाता हूँ, तो ये जो प्लस का साइन है वो डार्क हो गया, और डार्क और थिन हो गया थोड़ा सा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इसको जो कि मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसको मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है जिस जिस कॉलम तक मुझे सम चाहिए। तो मैंने 3 तक ले लिया और इसको मैं छोड़ दूंगा, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 हो गए सम आ गए। सो ये आप बहुत अच्छा एक तरीका है जिसको आप कैलकुलेट के लिए यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये जो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक डॉट है जो एक स्क्वायर बना हुआ है, उस पे जाना है, कर्सर ले जाना है। जैसे ही आप उस पे कर्सर ले जाओगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, और यहाँ से आपको अब माउस का की प्रेस करनी है और इसको खींचना है, जौन जौन से आपको कॉलम का सम चाहिए वहाँ तक ले जाना है और वहाँ पर छोड़ देना है। तो ये आपके लिए सबके सम निकाल देगा। तो एक बहुत हैंडी ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी आपका टाइम सेव कर सकता है इस मामले में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ऑटोफिल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।